हाय फ्रेंड्स, आज हम पाइनएप्पल और टूटी फ्रूटी का एगलेस केक बनाएंगे। ये एक परफेक्ट टी टाइम केक है या फिर बच्चों को टिफिन में भर के देने के लिए ये एक्सीलेंट केक है। तो चलिए शुरू करते हैं एगलेस पाइनएप्पल और टूटी फ्रूटी केक बनाना। हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल मैजिक ऑफ इंडियन रसोई को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस बेल बटन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस केक के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। तो एक बड़े बोल के ऊपर आप एक छन्नी रखिए, इसमें एक और एक चौथाई कप मैदा डालिए, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। सबको छान लीजिए और एक बार मिक्स भी कर लीजिए। इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को फिलहाल के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब एक दूसरे बड़े बोल में मैंने 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क लिया है, ये आधा टिन है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच घर की पिसी हुई चीनी डालिए। कंडेंस्ड मिल्क और चीनी को एकदम अच्छे से विस्क कीजिए लगभग एक आध मिनट के लिए। अब इसमें आधा कप तेल डालिए और एकदम अच्छे से विस्क कीजिए। इसमें आप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड या ओडरलेस ऑयल डालिए, और इसमें आधी छोटी चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डालिए और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंडेंस्ड मिल्क वाले मिक्सचर में 3 पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स कीजिए, और बीच बीच में जो पाइनएप्पल टिन का सिरप होता है वो भी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कीजिए। टोटल हमें आधा कप पाइनएप्पल सिरप लगेगा जो कि टिन पाइनएप्पल में आता है। अब 2 टिन पाइनएप्पल की स्लाइसेस को बारीक चॉप कर लीजिए। इस टिन पाइनएप्पल में 1 बड़ा चम्मच मैदा डालिए और एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पाइनएप्पल के पीसेस को तैयार बैटर में डाल दीजिए, और फाइनली इसमें 2 बड़े चम्मच कलरफुल टूटी फ्रूटी डालिए और एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और हमारा केक का बैटर तैयार है। अब मैंने यहाँ पे 7.5x3.5 इंच के लोफ टिन को तेल से ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर भी लगा लिया है। केक बैटर को इस लोफ टिन में ट्रांसफर कर लीजिए। इस टिन को किचन काउंटर पे 2 से 3 बार टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो रिलीज हो जाएगी। अब हम इस केक को प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, और फिर टेम्परेचर को 150 डिग्री पे रिड्यूस करके और 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आप 5 मिनट के लिए फिर इसे और भी बेक कर सकते हैं। केक जब बेक हो जाए तो टिन को बाहर निकाल लीजिए और एक बार टूथपिक डालकर चेक भी कर लीजिए। अगर इस पे कोई क्रम्ब स्टिक हो रहे हैं तो इसमें थोड़ी और कसर है, तो आप इसे 5-1 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं, वरना ये केक तैयार है। केक को 10 मिनट के लिए टिन में ही रहने दीजिए और फिर इसे हम ट्रांसफर करेंगे। मिनट के बाद केक को एक कूलिंग रैक पे ट्रांसफर कर दीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। केक जब ठंडा हो जाए तो इसके स्लाइसेस कीजिए और इसे बच्चों को टिफिन में भर के दीजिए या फिर टी टाइम स्नैक की तरह सर्व कीजिए। तो तैयार है इजीली बनने वाला पाइनएप्पल और टूटी फ्रूटी केक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।